नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। देश में ईवीएम मशीनों को लेकर के वार पलटवार के दौर के बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 तारीख को ईवीएम मशीनों पर दायर याचिका की सुनवाई की जाएगी और इसके साथ इस पर पूरी जांच बैठाई जाएगी, यानी ईवीएम मशीनों पर जाँच तेज कर दी गई है, ऐसी खबर सामने आई। तो आइए पूरी खबर देखते हैं विस्तार से, पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सम्राट चौधरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। इसी के साथ किस तरीके से एक नई कोशिश करते नजर आए देश के दिग्गज और बड़े नेता ने आज यहां बड़ा बयान जारी किया। इस पर आपको पूरी जानकारी के साथ विस्तार से बताएंगे कि जीतनराम मांझी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या नई बातों को स्पष्ट तौर पर रखा और किस तरीके से उन्होंने देश की जनता का ध्यान भी केंद्रित किया। लेकिन इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चंपई सोरेन ने एक दायर याचिका में कहा कि हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों में डालकर प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों ये है, देश के अंदर लगातार इस बात को लेकर खबरें आ रही है कि आज पावर स्टार पवन सिंह के लोकसभा चुनाव को लेकर के लड़ने को लेकर के जो प्लान सेट किया गया इसमें कई नई भूमिका सामने आती रही। इसी के साथ वरुण गांधी ने अपने टिकट को खारिज किए जाने के बाद कहा कि मुझे भरोसा है कि देश की जनता के लिए वो मैं एक उम्मीद बनूंगा, मैं एक ताकत बनूंगा। लेकिन इससे भी बड़ी जानकारी और बड़ी खबर यह है कि देश को एक नया नाम देने के लिए आरके सिन्हा भी लड़ रहे चुनाव। आरके सिन्हा ने भी इस पर बड़ा बयान दिया। सबसे बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि गुंजन सिंह ने लोकसभा के चुनावों को लेकर के एक भूमिका बनाई। उन्होंने कहा कि मुझे जो है जनता प्यार कर रही है, तभी जाकर इतने देखने वाले लोग आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ दोस्तों बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया से इस बार निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी के तौर पर जीत करके आने वाले वो सितारा बनने जा रहे हैं। तो पप्पू यादव ने क्या किया नया सितारा बुलंद और किस तरीके से एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर उठते सवालों के नए जवाब भी आपको बताएंगे, पूरी खबर देंगे। लेकिन इसी के साथ ही साथ दोस्तों देश की जनता के लिए आज जो है वो एक नई मजबूत कोशिश बनी रही तमाम चीज़ें, और सबसे बड़ा कोशिश बीजेपी की ताकत है, बीजेपी की उम्मीद है जो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में दोस्तों देश के लिए आज एक नया प्रयास किया गया है और इस एक नई कोशिश जो है वो सामने आ रही है इस वक्त जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के। इधर मनीष कश्यप ने भी बेतिया से चुनाव में जी हां आपको बता दें कि ताकत को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे जो है इस बार उम्मीद है कि जनता विश्वास के साथ उम्मीद को एक नया ताकत देगी। लेकिन इसके साथ लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा के चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में अपने नामों को सिद्ध किया और कहा कि स्टार प्रचारक की भूमिका वो निभाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रयास तो यह है कि देश की जनता इस बार उम्मीद जो है वो कुछ और लगाई है कि मजदूरी में बढ़ोतरी, देश के संविधान के अंदर जो संशोधन बीजेपी कर उसमें इसको लेकर के भी चीजें की जाए। लेकिन मनीष कश्यप जैसे तमाम युवा नेता भी इस बार संसदीय चुनाव में उतरे हैं। बेतिया से ना सिर्फ वो मनीष कश्यप चुनाव लड़ने उतरे हैं बल्कि उनकी भूमिका इस बार एक सांसद के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि जिया विजय कुमार सिन्हा और अनेक लोगों की भी इस बार खिंचाई तेज हो गई है, अनेक खबरें सामने आ रही है और जानकारियां स्पष्ट तौर पर आप देख पा रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस बार साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा के चुनाव को लेकर के अपनी ताकत को मजबूत करेंगे और ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार में वो लगे हुए हैं उम्मीद के साथ कि कुछ बेहतर होगा इस बार। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि देश की जनता ने आज बिहार में जय जयकार किया कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कदम उठाए गए उसमें सराहनीय कदम तो ज़रूर था। सबसे बड़ी और मजबूत खबर ये है कि आज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ट्वीट किया कि बिहार और देश के अंदर बुलेट ट्रेनों की जरूरत नहीं बल्कि ट्रेनों को सही समय पर चलाने की जरूरत आप।
समझ लीजिए कि नीतीश बाबू लोकसभा के चुनाव में क्या नया भूमिका निभाएंगे। एनडीए के प्रत्याशियों के लिए स्टार प्रचारक बने लगातार नीतीश बाबू। इस बार जो है वो एनडीए के सभी हिस्सेदारी की सीटों पर दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस बार जितना ज़्यादा बेहतर जानकारी सामने आ रही है, जितना ज़्यादा बेहतर उम्मीद है, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। इसी रिजल्ट की उम्मीद में नीतीश बाबू लगे हुए हैं लोकसभा के चुनाव में वो जीत करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम एक नए रिकॉर्ड को स्थापित करने के लिए यहाँ आए हैं। हमें उम्मीद है कि देश की जनता विश्वास के अधिकार पर वोटों की राजनीतिक में हमारे लिए गतिरोध को बेहतर तौर पर बनाएगी, विकसित तौर पर करेगी, ताकि हम मिल करके कुछ बेहतर कर सकें। अब नीतीश बाबू और मिले तमाम अनेक लोगों ने धीरे धीरे जो भी सेट किया प्लान, लेकिन स्पष्ट एक बेहतर उम्मीद जो है वो इनसे लगी हुई है कि कुछ तो सबसे बड़ी जानकारी और खबर भी विस्तार से सामने आ रही है कि देश में एक बार फिर पप्पू यादव लोकसभा के चुनाव में उतर चुके हैं। पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ करके जीत हासिल करने का निर्णय लिया। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी हो या कोई और हो, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर ये लोग सिर्फ आपको बरगलाते हैं, लेकिन जब मेरे जैसे लोगों के साथ गद्दारी की जा सकती है, मेरे जैसे लोगों के साथ ये लोग जिया आंकड़े फेल कर सकते हैं। इन लोगों ने कहा कि आप ये कर दीजिए, हम ये कर देंगे, लेकिन इनका कमिटमेंट रातों रात फेल हो जाता है। रातों रात ये लोग एक फ़ोन कॉल पर जानकारी देते हैं कि आपकी उम्मीदें टूट गई है और आप अब इन पर सपना देखना, सपना बुनना बंद कर दें, ताकि आपके लिए बचा हुआ कुछ नहीं है। हालांकि मुझे उम्मीद था कि ये लोग ऐसा ही करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इन पर गलती से भरोसा जता दिया था। उम्मीद है कि देश की जनता के लिए मैं आगे। बड़ी खबर सामने आ रही चिराग पासवान को लेकर के। लोकसभा के चुनावों को लेकर के चिराग पासवान मैदान में उतर चुके हैं। कमर कस चिराग पासवान ने देश की जनता को इस बार अपने पक्ष में लाया है। चिराग पासवान ने कई सालों से अपनी प्रेम भावनाओं की इस लड़ाई को देश की क्रांति में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता के लिए जिस भरोसे और उम्मीद के साथ हम आए थे, उसी भरोसे और उस उम्मीद के साथ आज भी जनता हम पर विश्वास करती है। जनता के लिए हमने हमेशा खुद को समर्पित किया है और ऐसे में देश की जनता भी हमारे लिए समर्पित रही है। हम उम्मीद करते हैं कि देश की जनता आगे के सभी निर्णय, राजनीतिक नए परिवर्तनों को लेकर के जो भी बातें बताएगी, वो हम सुनने का काम करेंगे। हम देश की जनता के प्रति जाने जाते हैं, हम देश की जनता के विकास के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए देश को कभी भी हम तोड़ नहीं सकते। हम देश को जोड़ने की राजनीति करते हैं, हम देश को मजबूती से आगे बढ़ाने की राजनीति। सबसे बड़ी खबर और जानकारी सामने निकल करके आ रही है दोस्तों कि मौसम में लगातार, जी हाँ, टेम्परेचर बढ़ता नजर आया। आपको भी गर्मी से इस वक्त जो है परेशान होना पड़ रहा है, सावधानियां जरूर बरतें दोस्तों, और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप अपने घरों पर बने रहें। जितनी ज़्यादा सतर्कता बरतेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकेगी, क्योंकि इस बार मौसम जो है लगातार कुछ नया कर रहा है, और ऐसे में बदलाव मौसम में, देश में मौसम का बदलाव बहुत ज़्यादा तेजी से बदल रहा है, तेजी से चीजें। कि अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनावों को लेकर के बड़ा निर्णय ले चुके हैं। लोकसभा के चुनावों में प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा वो कर रहे हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ साथ उनकी कोशिश यही है कि देश की जनता के लिए वो समर्पित रहें, देश की जनता के लिए वो एक मजबूत ताकत बने रहें। और ऐसे में अखिलेश यादव ने बताया कि इस बार जनता भी उन पर भरोसे के साथ आगे के सभी निर्णय के लिए जानी जाएगी। देश की जनता भी अखिलेश यादव के समर्थन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश जो है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के। पवन सिंह ने लोकसभा के चुनावों को लेकर के बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पवन सिंह ने साफ तौर पर देश के गतिरोध और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। पवन सिंह ने बताया है कि हमें मजबूती से इस बार का चुनाव लड़ना है, पर उनकी मुकाबले इस बार जो है वो उपेंद्र कुशवाहा से हो सकती है, और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के एक मजबूत नेता हैं, और ऐसे में मजबूत नेता के साथ इस बार ये लड़ाई कुछ नई चीज़ों को व्यक्त करेगी, कुछ नई चीज़ों को बताएगी, पर ये उम्मीद कि देश की जनता क्या सोचती है,
ये सब कोई सोच रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आज पावर स्टार पवन सिंह ने माता पिता के आशीर्वाद से बताया कि गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से हमने जो कुछ भी हासिल करना है की है, और देश में यही कोशिश है कि हम कुछ नया करके जाएं, कुछ अच्छा करके जाएं। हालांकि इस पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या सबसे बड़ी खबर और मजबूत प्रयास दरअसल दोस्तों सामने निकल कर के आ रही है देश की जनता के लिए। आज बिहार में राशन कार्ड धारकों ने बताया कि देश की जनता के लिए राशन कार्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। ऐसे में गरीब को राशन नहीं मिलता है, पर अमीर को राशन जरूर मिलता है। क्या इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? राशन कार्ड धारकों के लिए उन्होंने कहा कि देश की राशन कार्ड धारकों के लिए हमें आके आ करके सोचने की आवश्यकता आ पड़ी है, और अगर जब तक हम अपनी राशन को लेकर के नहीं सोचेंगे, जब तक इस पर सरकार पेनाल्टी नहीं लगाएगी, तब तक चीज़ें यूं ही चलती रहेगी। ऐसे में ज़रूरी है कि देश की सत्ता के अंदर जो चीज़ें हैं वो बेहतर मजबूत हो सके, वो कुछ नया हो सके, कुछ चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। तो इस पर अलग अलग जानकारियाँ, अलग अलग खबरें महत्वपूर्ण तौर पर सामने आ रही है कि इसके बारे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। खैर, अब अपनी बात और अपनी विचार कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं।